हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम। डिफरेंट एग्जामिनेशंस लाइक GPSC, UPSC, स्कूल और कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन्स में KBC प्रिपरेशंस आप करते हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत सारे टाइम पूछा जाता है। SSC की एग्जामिनेशंस में या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते हो तो नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारी गेम्स है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, वाटर पोलो, खो खो, तो ये सब में कितने प्लेयर आते हैं वो सब क्वेश्चंस MCQ टाइप के क्वेश्चन में भी होते हैं। तो इसलिए हमें एक टॉपिक है वो कर लेना चाहिए। अब बहुत इजी है, हम न्यूज़ में भी बैडमिंटन, टेबल टेनिस वो सब देखते हैं तो उसमें भी कितने प्लेयर आते हैं। फील्ड में भी बहुत सारे टाइम प्लेयर्स दिखाई देते हैं, गेम्स आती है तो उसमें भी आपको पता है, लेकिन प्रॉपर मीनिंग हम MCQ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए ये टॉपिक करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए बैडमिंटन से हम सारे के सारा लिस्ट कंटिन्यू करेंगे, बैडमिंटन से स्टार्ट करेंगे। बैडमिंटन, टेबल टेनिस वो सब आप फिल्मों में देखते रहते हैं तो उसमें ऑलवेज वन और टू प्लेयर्स होते हैं, मीन्स वन मीन्स सिंगल और टू मीन्स डबल्स। बैडमिंटन दो टाइप के होते हैं, सिंगल प्लेयर्स के और डबल प्लेयर में। लाइक आप वीडियो गेम्स में भी सिंगल प्लेयर और डबल प्लेयर खेलते हैं, इसी तरह बैडमिंटन में भी आप सिंगल्स और डबल्स खेल सकते हैं। तो ये दोनों गेम में वन और टू प्लेयर्स होते हैं। देन आफ्टर आता है आपका पोलो। पोलो में कितने प्लेयर आते हैं? चार। वन और टू हो गए, उसको आप डबल कर देंगे तो वो चार हो जाएगा, तो इजी रह जाएगा। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पोलो, उसमें कितने प्लेयर्स है? चार। देन आफ्टर आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपने बहुत सारी मूवी में खेलते हुए, हीरो को खेलते हुए देखा है, तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? सिर्फ फाइव। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? फाइव। लाइक फाइव स्टार, फाइव स्टार की तरह बास्केटबॉल खाते रहना चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, बास्केटबॉल की तरह फाइव स्टार खाते रहना चाहिए, सही है ना? राइट। देन आफ्टर आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितना आता है? बास्केटबॉल से एक प्लेयर इंक्रीज हो जाता है। बास्केटबॉल में फाइव आता है क्योंकि एक बास्केट होता है, तो उसके इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसमें बास्केट नहीं है तो वो प्लेयर को रख देंगे। इसके मतलब वॉलीबॉल में सिक्स प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर रहेंगे? सिक्स। देन आफ्टर हमारी इंडियन गेम जो कबड्डी होती है, कबड्डी में एक और अटैक करने वाला प्लेयर आ जाता है, उसको कहते हैं कबड्डी के प्लेयर सेवन। सेवन प्लेयर ये तीन गेम में आता है, कबड्डी, नेटबॉल और वॉटर पोलो। आपको इजीली याद रह जाएगा सेवन प्लेयर्स कौन कौन सी गेम में आता है। कबड्डी में भी आता है, नेटबॉल में भी आता है और वाटर पोलो में भी ये सेवन प्लेयर्स होते हैं। देन आफ्टर आता है बेसबॉल। बेसबॉल और खो खो, वो दोनों में कितने प्लेयर है? बेसबॉल और खो खो, ये बास्केटबॉल नहीं है, ये बेसबॉल है, तो उसमें नाइन और नाइन प्लेयर्स आते हैं। ओके, देन आफ्टर ये बहुत सा अच्छी गेम है और पॉपुलर गेम है, लाइक हॉकी हमारी नेशनल गेम है। देन आफ्टर क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट इंडिया में बहुत चलती है तो उसके भी बहुत सारे चाहक होते हैं, फैंस होते हैं, तो हम ये तीनों गेम के 11-11 प्लेयर्स है। फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11 और हॉकी में भी 11। तो ये हमारा ग्रुप हो गया हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, उसमें कितने प्लेयर है? 11। ओके, हम फिर से रिपीट कर देंगे ये टॉपिक को। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में वन और टू मीन सिंगल और डबल, पोलो में फोर, बास्केटबॉल में फाइव, वॉलीबॉल में उससे एक ज़्यादा मीन सिक्स, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में सेवन, बेसबॉल और खो खो में नाइन, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें 11-11 प्लेयर्स होते हैं। ये सारा लिस्ट आपको याद रह गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो
आपको पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।